सहरसा में सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। दरअसल बीते दिनों हुए अगलगी की घटना में करीब 150 घर जलकर राख हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार के पास न तो रहने को बचा है और न ही खाने के लिए एक भी दाना और न ही पहनने के लिए कपड़े। ऐसे में अब तक प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं देने से इनकी परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि कई समाजसेवियों ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। मेरा जो क्षति हुआ, एक तो सिस्टर की शादी थी, उसके लिए हम लोग जबर गहना वोना मार्केटिंग वोटिंग कर करके आए थे, जो कि 27 तारीख को शादी था। उसके बाद अगलगी में ये सारा सामान मेरा क्षति हो गया। उसके बाद जो है घर में खाना तक और कपड़ा तक भी नहीं मिला। ये जो कपड़ा जो हम पहने हुए हैं, ये मुखिया जी के तरफ से हम लोग को जो है दिया गया है, मदद किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अगलगी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जिले के अहिरिया पूर और बंदरा प्रखंड का है, जहां आग लगने के कारण कई मवेशियों की मौत हो गई, साथ ही लगभग 1.5 दर्जन घर राख हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल के प्रतापगढ़ प्रखंड स्थित शोभा नगर पंचायत में आग लगने से लगभग 20 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि चूल्हा पर खाना बनाने के क्रम में निकली चिंगारी के कारण आग लगी। घटना की सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत पहुँचाने की बात कही, साथ ही घटना में हुई क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की तैयारी शुरू कर दी गई। झारखंड के गढ़वा में भगवानपुर में रांची तक चलने वाली माधव कंपनी के बस में देर रात अचानक आग लग गई। इस अगलगी में बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बताया जा रहा है कि रांची से देर शाम लौटने के बाद चालक द्वारा बस को नियत स्थान से लगा दिया गया, लेकिन देर रात बस में आग लग गई। इस अगलगी के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वो जिसे कंडक्टर को पता नहीं था।